नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। गोंडा जनपद दिनांक 24/8/2022 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा गुरु नानक चौराहे पर संदिग्ध वाहन व्यक्ति चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जो कि पुलिस की वर्दी पहने हुए है, जो लोगों के साथ ठगी करता है, ITI चौराहे के पास चाय पी रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा फर्जी दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से 2 अदद नकली पुलिस परिचय पत्र, 1 अदद आधार कार्ड, 1 अदद ड्राइविंग लाइसेंस, 1 जोड़ी खाकी रंग की पुलिस वर्दी और 9,000 रूपए बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त से की गई पूछताछ में अभियुक्त विपिन तिवारी ने बताया कि मैं फर्जी दरोगा बन के वर्दी का रौब दिखाता हूँ और लोगों से धन अर्जित करता हूँ। GBN24 के लिए गोंडा से अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के लिए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और टीम के द्वारा एक विपिन तिवारी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। परसा गोरड़ी थाना कर्नलगंज का रहने वाला है। ये एक फर्जी दरोगा बन के इनके द्वारा कुछ ऐसी अवैध गतिविधियाँ की जा रही थी, उनके उसको गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की गई तो जानकारी मिली। इसने फर्जी दरोगा बन के कई जगह लोगों को धमक दी है, लोगों से वसूली की है और पहले भी ये जनपद बलरामपुर में रेरा बाजार से फर्जी दरोगा के रूप में इसको गिरफ्तार किया गया था। उन्हें आज इसको गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध धारा 170, 171, 420, 467, 171 IPC का जो अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष किया जा रहा है। इनके पास से 2 पुलिस के फोर्ज्ड ID कार्ड बने मिले हैं, 2 आधार कार्ड मिले हैं, 1 ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। दोनों ये जो फोर्ज डॉक्यूमेंट है और भी इनसे पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में जो भी पूछताछ के बाद जो भी अगर कोई इनका सहयोगी है उसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की। सर, PSC के सामने कोई महिला है, वो अभी पुलिस अधीक्षक